कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है। भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं, उनके पास 20-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, ना दल है ना इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिया? आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार?